हेलो दोस्तों, जायका वितनुजा में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ठंडाई की रेसिपी। होली आ रही है और होली के टाइम पे हम अगर ठंडाई ना पिए तो फिर क्या कहना। तो आपके लिए मैं बिल्कुल बाजार जैसी अपने घर के सामान से ठंडाई बनाना सिखा रही हूँ। आपको बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो आप बाजार में हल्दीराम की या चमन की किसी भी नाम से जो ठंडाई आती है वो आप पीते हैं। आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी सारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। मैं आपको ठंडाई बहुत ही सामान से बता रही हूँ जो आपको इजीली अपने घर में मिल जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बताऊँगी ठंडाई को, लेकिन जो चीज़ें आपके घर में आराम से मिल जाती है मैं उसी सामान से आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो भी मेवा ली है हमारे घर में सब इजीली मिल जाती है। आप देख रहे हैं इसमें मैंने जो भी मेवा वगैरह रख रखी है, चाहे काजू हैं, सौंफ हैं, गुलाब की कुछ पत्तियां हैं जो मैंने घर में ही सुखा के रखी हुई हैं, और कुछ काली मिर्च ली हैं मैंने, ये खरबूजे के बीज हैं, इलायची ली है, केसर लिया है, कुछ पिस्ते लिए हैं, खसखस लिया है, तरबूज के बीज लिए हैं और चीनी ली है। ये सब वो चीज़ें हैं जो घर में हमारे पास इजीली मिल जाती हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं सबसे पहले एक पैन को गरम करूंगी। मुझे कोई भी मेवा भूननी नहीं है, बस पैन को गरम करना है 2 से 3 मिनट तक। आप देख रहे हैं मैं पैन को सिर्फ देख रही हूँ, जैसे ही ये पैन गरम होगा वैसे ही मैं गैस को बंद कर दूंगी। सिर्फ हमारा जो मेवा जो हमारी है उसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो जाता है वो निकल जाए बस। सुन करने के बाद 1/4 कप मैंने खरबूजे के बीज, 1/4 कप मैंने पिस्ता, आधा कप मैंने बादाम, 1/4 कप मैंने काजू और 1/4 कप वाटरमेलन के बीज डाल दिए हैं। आप देखो ये बिल्कुल गैस बंद है कि मैं न हाथ से भी हिला पा रही हूँ, बस पैन इतना ही गर्म है हमारा। और आधा कप मैंने ये सौंफ डाली है। बस आप देखिए कि हल्का सा बस पैन गर्म करके गैस को बंद कर दिया और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक बस इसको छोड़ दिया इसके ऊपर। और ये मैंने काली मिर्च डाल दी है इसके ऊपर, ये मैंने 2 टेबल स्पून काली मिर्च ली थी। और ये मैंने आधा कप जो गुलाब की पत्तियां हैं वो घर में सुखा ली थी। आप चाहो तो माइक्रोवेव में भी सुखा के रख सकते हो या ऐसे ही घर में 2 से 3 दिन तक छोड़ दो तो भी घर में भी सूख जाती हैं आराम से। अब आप देखिए बस उसी गर्म पे मैं थोड़ी देर इसको बस इस मिला रही हूँ। और अब इसके बाद मैं सबसे पहले इलायची जो मैंने ली हुई थी 15 से 20 इलायची, थोड़ी सी चीनी के साथ में इसको मैं पीस लूँगी। इलायची जितनी ज़्यादा होती है टेस्ट उतना ही बढ़िया आता है, इसलिए मैंने 15 से 20 इलायची ले ली है, इनको मैंने चीनी के साथ पीस लिया है। अब हम एक बड़ा डोंगा ले लेंगे और एक छन्नी ले लेंगे, क्योंकि हम अब सब सामान इसमें ही पीस के डालते जाएंगे। सबसे पहले मैंने इलायची पीस ली थी चीनी के साथ, जो अब इसको मैं छान लूँगी। आप देख रहे हो थोड़े से ये रह गए हैं जो वापस मिक्सी में मैंने डाल लिया। अब धीरे धीरे मैं सब चीज़ें जो हमने पैन में डाली हुई थी उनको सबको लेके मैं पीसती जाऊंगी मिक्सी में। हमें खूब अच्छे से उसे पीसना है और इस छन्नी में छानते जाना है। हमें छन्नी में छानने के बाद जो भी मोटा फिर बच जाता है तो उसको भी हम दोबारा क्या कहते हैं फिर पीस लेंगे। ये मैंने 3 चम्मच जो पोस्ता दाना लिया था वो भी डाल दिया है मिक्सी में, थोड़ी सी जो केसर ली थी वो भी मिक्सी में पीसने के लिए डाल दिए। तो बस वो सब पीस पीस के मैं इसके अंदर मिलाती जा रही हूँ और इनको छानती जा रही हूँ। जब ये थोड़ा सा और मोटा बचेगा तो हम दोबारा भी इसको पीस सकते हैं। दवाई छानने के बाद ज़रा अगर थोड़ा बहुत मोटा बच जाता है तो फिर हम इसे दोबारा मिक्सी में पीस लेंगे और फिर छान लेंगे। आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो बचा है मैं इसको फिर पीस के इसी में डाल दिया। 2 कप जो चीनी ली हुई थी उसको भी पीस लिया मिक्सी में, अब उसको भी मैं इसमें मिला दूंगी। आप चीनी ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना आपको मीठा रखना है।
और अगर आपको सिर्फ पाउडर ऐसे ही रखना है तो भी वो रख सकते हैं, हाथ के हाथ चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है इसलिए मैंने इसको मिक्स करके चीनी के साथ ही मिक्स करके रखती हूँ, जिससे कि जब हम बनाएं तो हाथ के हाथ फटाफट बन जाए ये। अब आप देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, इसको हमें खूब अच्छे से मिक्स करना है कि कुछ भी इसमें रह ना जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर और केसर डाल दिया है, केसर भी इस पर जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा लगता है। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसके बाद में आपको मैं एक गिलास ठंडाई बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 चम्मच ये ठंडाई का पाउडर लिया है और 1 गिलास दूध दिया है। आप चाहो तो इसमें ठंडाई डालने के बाद और दूध डालने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ सकते हो, कि कहते हैं जो इसमें सब बादाम काजू हैं वो थोड़े से फूल जाएं, या डायरेक्ट भी इसे मिक्सी में पीस सकते हो। अब आप देखिए ठंडाई बन के तैयार हो गई है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठंडाई में आप चीनी उतनी ही डालना जितना आप मीठा पीते हैं। अगर आप मीठा कम पीते हैं तो चीनी को कम कर देना, और ज़्यादा पीते हैं तो थोड़ी चीनी बढ़ा देना। अब देखिए आप ठंडाई बन के तैयार हो गई है। अब होली आ रही है और ठंडाई ना हो तो फिर क्या मज़ा होली का। तो आप ठंडाई ये वाली बनाइए और होली में का मज़ा उठाइए। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरी तरफ़ से सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।